हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GDS 2 MTS जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आपको स्क्रीन पर एक PDF फाइल दिखा रहे हैं जिसमें पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें GDS 2 MTS का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, सीरियल नंबर 1 की बात करें तो यहाँ कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग, तो पेपर 1 में कॉम्पिटिटिव करना है और जो पेपर 2 होता है उसमें क्वालिफाइंग करना है। इसके अलावा दूसरे सीरियल नंबर की हम बात करें तो यहाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो किस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं, तो यहाँ पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 2 में मल्टीपल चॉइस एंड क्वेश्चन सब्जेक्टिव, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सीरियल नंबर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं एज़ पर सिलेबस, तो यहाँ सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, वो थोड़े इस जो पहले पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें हम आपको बता दें मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं। तो यहाँ जो पेपर 1 है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होने वाले हैं जो कि 2 पार्ट्स में होने वाले हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 है इसमें 50 मार्क होने वाले हैं, 50 नंबर होने वाले हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम मिलने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 में, तो यहाँ 1-1 घंटे का टाइम यहाँ मिलने वाला है। इसके अलावा छठा पॉइंट आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर और लैंग्वेज किस प्रकार से होने वाला है, तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो होने वाला है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज में भी जो ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, तो किस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ नोट फॉर एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस में ये लागू नहीं होता है बट एज पर, तो इसके अलावा जो सेकंड पेपर है उसमें एज पर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से यहाँ लैंग्वेज लागू होने वाली है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें आठवें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यानी कि जो मिनिमम कितने मार्क लाना अनिवार्य तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ए पॉइंट पर आप देख सकते हैं जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 33 मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा बी पॉइंट में आप देख सकते हैं 37 मार्क्स जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको लाना अनिवार्य। इसके अलावा फोर अदर कैंडिडेट उनको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ ABCD इन सभी जो पैराग्राफ है इसमें दी गई है। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पेपर के सिलेबस के बारे में यानी कि GDS 2 MTS का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पेपर 1 है वह 60 मिनट का होने वाला है और ये पेपर 1 है पर 2 भागों में डिवाइड होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हर एक क्वेश्चन है वह 2 नंबर का होने वाला है यानी कि, तो इसमें पार्ट 1 में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यानी कि जो पार्ट ए है वह 60 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट 2 टोटल 40 मार्क का होने वाला है, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें बेसिक मैथमेटिक्स की यानी कि जो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप तैयारी करें तब आपको टॉपिक आपके ध्यान में रहे। तो दोस्तों, अब यहाँ हम बात करें पेपर 2 के बारे में। दोस्तों, ये पेपर भी 60 मिनट का होने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क है वो 50 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, तो दोस्तों इस प्रकार के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, तो वर्ड है उसको लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में करना है, उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह भी जो 1 नंबर के होने वाले हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अलावा लेटर लिखना है आपको लोकल लैंग्वेज में 40 टू 50 वर्ड में, ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं 10 मार्क का होने वाला है। इसके अलावा पैराग्राफ शॉर्ट ऐसे ये भी 10 मार्क का होने वाला है। दोस्तों, टोटल पेपर जो 50 मार्क का होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इस वीडियो में आपको पूरा पैटर्न और सिलेबस बता दिया, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के जो सिलेबस होने वाला है पैटर्न होने वाला है उसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल पर GDS 2 MTS एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं इसी पैटर्न से रिलेटेड यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको, तो दोस्तों उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।